मैं संजय कुमार आज आप लोगों के लिए लाए हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स का पार्ट 5, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे जो इवेंट्स होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसके प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स यानी फर्टिलाइजेशन के पहले जो इवेंट्स होता है उस इवेंट्स में हम लोग देख रहे हैं क्या गैमेटोजेनेसिस, मतलब गैमिट का फॉर्मेशन। गैमिट क्या होते हैं, गैमिट कहाँ बनते हैं, कितने तरह के गैमिट होते हैं। अब ये जो गैमिट्स होता है ये हमेशा हैप्लॉइड होता है, और वही इसमें देखना है कि यह जो गैमिट्स होते हैं वो किस प्रकार के पेरेंट्स में बनते हैं, मतलब उनका सेक्स क्या होता है, मेल होते हैं फीमेल होते हैं या दोनों मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं टेस्टिस या ओवरी वह एक ही इंडिविजुअल में पाए जाते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं इसमें सेक्सुअलिटी, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिजम्स में किस प्रकार का सेक्स पाया जाता है, सबसे पहले हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट्स में किस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो प्लांट्स भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बाईसेक्सुअल प्लांट्स, मतलब एक ही प्लांट में मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो पाए जाते हैं, और दूसरा हो गया यूनिसेक्सुअल प्लांट। यूनिसेक्सुअल प्लांट का मतलब कि मेल प्लांट अलग होगा फीमेल प्लांट अलग होगा, मेल प्लांट पर स्टेमिनेट फ्लावर रहेंगे और फीमेल प्लांट पर पिस्टिलेट फ्लावर रहेंगे, उसको पिस्टिलेट बोला जाता है। तो सबसे पहले प्लांट्स में क्या होते हैं कि बाईसेक्सुअल प्लांट्स देखते हैं, इसको बाईसेक्सुअल प्लांट्स कहा जाएगा, या इसी को क्या कहा जाता है होमोथैलिक भी कहा जाता है, कुछ फंगस में ये होमोथैलिक कहा जाता है, होमोथैलिक इन सम फंगाई, और इसी को हम लोग मोनोसियस भी कहते हैं, मोनोसियस, मोनोसियस प्लांट्स। तो इसका क्या हो गया कि बोथ सेक्स ऑर्गन्स, बोथ सेक्स ऑर्गन लोकेटेड इन वन इंडिविजुअल, एक ही इंडिविजुअल में दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। अब इसमें भी क्या होते हैं कि यह दो प्रकार का होता है, ये जो बाईसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं उसमें दो तरह के फ्लावर्स इसमें पाए जाते हैं। क्या होता है कि प्लांट्स तो रहेंगे बाईसेक्सुअल, लेकिन इसमें एक होगा क्या कि बाईसेक्सुअल फ्लावर्स इसमें रहेंगे, मतलब एक ही फूल में दोनों सेक्स ऑर्गन रहेगा। जैसे ये मान लिया कि ये चाइना रोज का आप देख रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये हो गया स्टिग्मा यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्टिग्मा स्टाइल, और यहाँ पर क्या होता है ओवरी होता है, और यहाँ पर जो देखेंगे तो इसका जो मेल पार्ट होता है स्टेमिनेट पार्ट ये हो गया, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या स्टेमिनेट, और इसको कहते हैं पिस्टिलेट, मतलब एक ही फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन। स्टेमिनेट क्या हो गया मेल हो गया, और ये क्या हो गया फीमेल हो गया। अब फॉर एग्जांपल बाईसेक्सुअल फ्लावर में कौन सा एग्जांपल हो गया, तो जैसे चाइना रोज हो गया, रोज हो गया ना, ये सब जो फ्लावर्स हम लोग देखते हैं वो इस तरह का, बहुत सारे फ्लावर्स इसमें आ जाते हैं।
दूसरा होता है क्या, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, प्लांट होगा बाईसेक्सुअल लेकिन उसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स रहेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स रहेंगे। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में क्या होता है कि मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर डिफरेंट पोजीशंस पर रहेगा। इसमें हो गया क्या, कि मेल फ्लावर्स, मेल फ्लावर्स को क्या बोल रहे हैं, स्टेमिनेट बोल रहे हैं, एंड फीमेल फ्लावर को क्या कह रहे हैं, फीमेल फ्लावर्स को हम लोग यहां पर कह रहे हैं पिस्टिलेट, पिस्टिलेट। तो मेल एंड फीमेल फ्लावर्स जो है वो क्या हो गया, एट डिफरेंट पोजीशन, एट डिफरेंट पोजीशंस, अलग अलग पोजीशन पर होगा। अब जैसे कोई भी एक प्लांट इसमें, जैसे कुकुरबिट्स होते हैं, कुकुरबिट्स में क्या होता है कि आपको ये लीफ हो गया और यहाँ पर से क्या निकलेगा, फ्लावर्स निकलेंगे। तो ये एक फ्लावर जो हो गया ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फीमेल फ्लावर, जिसको हम लोग कहेंगे क्या, पिस्टिलेट कहेंगे। उसी तरह से फिर यहाँ पर ये दूसरा फ्लावर होगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टेमिनेट फ्लावर कहेंगे। ये हो गया स्टेमिनेट हो गया, मतलब मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पर होगा। उसी तरह से ये क्या हो गया, एग्जांपल ये हो गया कुकुरबिट फैमिली का, कुकुरबिटा फैमिली का, ये कुकुरबिट्स होते हैं। कुकुरबिट्स का मतलब हो गया जैसे कि वाटर मिलन, वाटर मिलन हो गया, कुकुम्बर हो गया, ये सब जो है उसमें इस तरह से होता है। उसके बाद दूसरा एक जो एग्जांपल है जिसमें हो गया क्या, मेज, मेज में ऐसा होता है, मक्का में भी देखिएगा जिसमें सीड्स लगते हैं वो फीमेल फ्लावर हो गया, ऊपर में जो रहता है मेज के ऊपरी पार्ट में उस वो क्या हो गया, स्टिमुलेट हो गया। इसी तरह से कोकोनट, कोकोनट्स भी क्या होते हैं, वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर, हालांकि बाईसेक्सुअल प्लांट होते हैं लेकिन उसमें मेल फ्लावर अलग पोजीशन पर, फीमेल फ्लावर अलग पोजीशन पर। तो ये जो है आपको इसमें है। अब जो हम लोग देखेंगे यूनिसेक्सुअल प्लांट, यूनिसेक्सुअल प्लांट्स के बारे में, ये तो हो गया बाईसेक्सुअल प्लांट का, यूनिसेक्सुअल प्लांट्स, यूनिसेक्सुअल प्लांट्स हो गया। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोथैलिक, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, मतलब मेल अलग और फीमेल अलग, तो यूनिसेक्सुअल हो गया, या इसको हम लोग कहेंगे हेट्रोथैलिक। और क्या कहेंगे, जैसे इसको हम लोग बोले हैं मोनोसियस, मोनोसियस, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डाइसियस कहेंगे, डाइसियस प्लांट। तो इसका क्या मतलब हो गया कि मेल एंड फीमेल प्लांट्स आर सेपरेट, मेल और फीमेल प्लांट जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक ना। मतलब स्टिमुलेट फ्लावर जो होगा वो मेल पर होगा, अब पिस्टिलेट फ्लावर जो होगा वो फीमेल पर होगा, ठीक ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्लांट आर सेपरेट या डेट इज इन डिफरेंट प्लांट, और डेट इज स्टिमुलेट एंड पिस्टिलेट, स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट एट डिफ
डिफरेंट प्लांट्स, सिंपल, मेल अलग और फीमेल अलग। अब एग्जांपल कौन से ऐसे एग्जांपल है, पपाया, पपाया जो है इसमें मेल प्लांट अलग होता है फीमेल प्लांट अलग होता है। जिसमें आप देखिएगा पपीता का जो पेड़ होता है उसमें क्या होते हैं कि जिसमें फल लग जाता है वो फीमेल प्लांट होती है, क्योंकि उसमें ओवरी होता है और ओवरी से ही फ्रूट बनते हैं, और जो मेल प्लांट होते हैं उसमें केवल फ्लावर ही रह जाएगा, उसमें फ्रूट नहीं लगेगा। उसी तरह से डेट पाम जो है, डेट पाम, तो यहाँ पर पपाया और डेट पाम में भी स्टिमिनेट फ्लावर है, पिस्टिलेट फ्लावर है, अलग अलग है, लेकिन वो अलग अलग है क्या, अलग अलग प्लांट पर है। और यहाँ पर कुकुरविट्स और कोकोनट इस समय देख रहे हैं, इसमें भी पिस्टिलेट और स्टिमिनेट फ्लावर है लेकिन एक ही प्लांट पर है। इतना ध्यान रखिएगा, इससे जो है क्वेश्चन आते हैं कि इस दोनों में क्या अंतर है, दोनों में जो है दोनों में पिस्टिलेट और स्टिमिनेट फ्लावर पाए जाते हैं लेकिन उसमें क्या डिफरेंसेज है। तो इसमें है कि दोनों एक ही प्लांट पर पाए जाते हैं और इसमें दोनों क्या है, डिफरेंट प्लांट पर पाए जाते हैं। ठीक, तो प्लांट्स के बारे में हम लोग देख लिए, अब देखेंगे हम लोग एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स में क्या कैसा होता है, तो एनिमल्स भी दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया एनिमल जिसको हम लोग कहते हैं यूनिसेक्सुअल एनिमल्स, यूनिसेक्सुअल, जैसे ये बाइसेक्सुअल में हो गया कि एक ही में दोनों हो गया, सॉरी यहाँ पर यूनिसेक्सुअल है तो इसमें भी मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, इसमें भी क्या हो जाएंगे कि सेक्स आर सेपरेट, सेक्स आर सेपरेट, अलग अलग होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉकरोच, कॉकरोच हो गया है ना, फ्रॉग हो गया, फ्रॉग में भी क्या है, फीमेल अलग मेल अलग, इस तरह से ह्यूमन, ह्यूमन बीइंग, इटिस, तो ये आपको क्या है, यूनिसेक्सुअल एनिमल्स। अब बाइसेक्सुअल एनिमल्स देखते हैं, सेकेंड टाइप का जो एनिमल्स होता है जिसको हम लोग बाइसेक्सुअल एनिमल्स कहते हैं। बाइसेक्सुअल एनिमल्स का मतलब क्या हो गया कि बोथ मेल एंड फीमेल, बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एट सेम इंडिविजुअल, एक ही इंडिविजुअल में दोनों पाया जाएगा। बाइसेक्सुअल को हम लोग यहाँ पर एक और टर्म देते हैं, हर्माफ्रोडाइट टर्म देते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट कहा जाता है। अब एग्जांपल कौन सा होता है, कौन से होते हैं, तो जैसे स्पॉन्ज हो गए है ना, उसके बाद जो है टेपवर्म हो गए, टेप वर्म हो गए, उसके बाद क्या हो गया, अर्थ वर्म हो गया, अर्थ वर्म के बाद क्या हो गया, लीच हो गया। तो ये सब जो एग्जांपल्स हैं ये बाइसेक्सुअल एनिमल्स के होते हैं। ठीक, तो ये हो गया सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स, यानी यही पेरेंट्स हैं जिसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे इसको देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि जो ये पेरेंट्स अभी हम लोग देखे यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल, उसमें क्या होता है कि अब किस प्रोसेस के द्वारा गैमेट्स बनता है। तो गैमेट्स बनने का जो प्रोसेस होता है वह जनरली मोस्टली मियोसिस के द्वारा होता है, लेकिन जिनका बॉडी हैप्लॉयड होता है उनमें माइटोसिस द्वारा क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, और गैमेट्स हमेशा हैप्लॉयड होता है। तो अब हम लोग देखेंगे क्या, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन,
तो सेल डिवीजन जो होता है इसमें गैमेट्स हमेशा क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। इतना ध्यान रखिएगा, गैमेट्स आर हैप्लॉइड, इसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। अब कहता है कि यह जो हैप्लॉइड होता है, यह जो गैमेट्स किस तरह के पेरेंट से बनते हैं, तो या तो वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, माने वो एक ही पेरेंट हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं, दो पेरेंट्स में एक ही पेरेंट्स दोनों बना सकता है, जैसे कुछ फंगस में होता है इस तरह से, या जो हम लोग अभी देखे हैं बाईसेक्सुअल जो एनिमल्स होते हैं, बाईसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं, उसमें दोनों। तो आइदर आइदर ऑर्गेनिजम्स आर Either organisms are क्या होते हैं organisms, या जो parent body होते हैं वो haploid होता है या diploid होता है। Organisms are haploid और diploid। अब कहता है कि कौन से haploid parent होते हैं, यहाँ पर हम लोग देखेंगे haploid parents कौन कौन से होते हैं और diploid parents, डिप्लॉइड पेरेंट्स कौन से होते हैं। तो हैप्लॉइड पेरेंट्स में होता है क्या, जैसे मोनेरा, फंगाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स और कुछ एनिमल्स, सम एनिमल्स जैसे कि मेल हनी भी है, टर्की बर्ड है, उस ये सब में क्या होते हैं, हैप्लॉइड पेरेंट होते हैं वो, उसी से वो गैमेट बन जाता है। तो एग्जांपल हो गया इसमें क्या, हैप्लॉइड पेरेंट्स में क्या हो गया, मोनेरा, मोनेरा माने बैक्टीरिया ये सब। उसके बाद क्या हो जाएगा, फंगाई हो गया, फंगाई के बाद क्या हो गया, अलगी, प्लांट में ही आता है। अलगी के बाद क्या हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गया, 11th क्लास में सब पढ़े हैं हम लोग, ब्रायोफाइट्स हो गया। उसके बाद सम एनिमल्स, सम एनिमल्स, अब सम एनिमल्स में कौन से होते हैं, जैसे कि टर्की एक बर्ड है उसमें, या मेल हनी बी, मेल हनी बी जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, फीमेल डिप्लॉइड होती है और ये मेल क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो इसके गोनैड्स होते हैं, उस गोनैड्स का जो सेल होता है वो एन, एन का मतलब ये हो गया पेरेंट, पेरेंट गोनैड टेस्टिस या ओवरी, वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। और इसमें कैसे डिवाइड होगा, तो ये प्रोसेस क्या लगेगा, माइटोसिस, माइटोसिस के बाद क्या हो जाएगा, इसमें गैमेट्स बनेंगे। तो एक सेल डिवाइड होगा तो दो गैमेट्स बनेगा, इसमें भी जो ये गैमेट्स बना है ये कैसा है, ये गैमेट्स जो बने हैं ये भी क्या है, हैप्लॉइड है। तो पेरेंट भी हैप्लॉइड है और जो गैमेट्स है वो भी हैप्लॉइड है, ठीक। तो क्या कर सकते हैं कि जो सेल डिवीजन होता है वो माइटोसिस के द्वारा भी गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, और जो डिप्लॉइड पेरेंट्स देख रहे हैं इसमें एग्जांपल क्या हो गया, इसमें कैसे होता है, तो जैसे टेरिडोफाइट्स है, प्लांट किंगडम में है, आता है टेरिडोफाइट्स। उसके बाद टेरिडोफाइट्स के बाद जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स हो गया। उसके बाद क्या हो गया, एंजियोस्पर्म्स हो गया, एंजियोस्पर्म्स हो गया। और क्या होता है, मोस्ट ऑफ एनिमल, यहाँ सम एनिमल देखे हैं कि मोस्ट ऑफ एनिमल्स, मोस्ट ऑफ एनिमल्स इनका बॉडी कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है, यानी टू एन होता है। ये एन से डिनोट करेंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे, टू एन से डिनोट करते हैं। अब जैसे इसके गोनैड्स में जो पेरेंट का जो गोनैड होता है, उसके गोनैड में एक सेल होता है जिसको हम लोग कहते हैं मियोसाइट्स कहते हैं। मियोसाइट्स जो होते हैं ये कैसा हो गया, डिप्लॉइड हो गया, या इसी का दूसरा नाम क्या है, और गैमेट मदर सेल्स,
इसके गोनेड्स में टेस्टिस हो, ओवरी हो, उसमें क्या होते हैं या जो उसमें मियोसाइट्स पाए जाते हैं, उसका क्रोमोजोम क्या होता है, डिप्लॉयड होते हैं उसमें, और इसमें गैमेट मदर सेल कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि रिडक्शन डिवीजन होता है ना, रिडक्शन डिवीजन क्या होता है, इसको हम लोग मियोसिस कहते हैं, इसको रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है, रिडक्शन डिवीजन हो गया। तो मियोसिस के द्वारा क्या होता है कि ये दो स्टेट में, फर्स्ट एंड सेकंड रिडक्शन डिवीजन होता है, जिसके रिजल्ट क्या होता है, चार डॉटर सेल्स बनते हैं, मतलब ये क्या हो गया, हैप्लॉइड गैमेट हो गया, हैप्लॉइड गैमेट्स हो गए, सब में एन एन, ये टू एन है, इसमें क्या हो गया। तो यहां पर कह सकते हैं कि जो गैमेट बनता है वो माइटोसिस के द्वारा भी बनता है, मियोसिस के द्वारा भी बनता है। माइटोसिस किसमें होगा कि पेरेंट बॉडी हैप्लॉइड होगा, पेरेंट जो होंगे वो इनका बॉडी ऐसा हो गया, हैप्लॉइड होगा। और मियोसिस किसमें होगा, तो ये जो पेरेंट बॉडी है वो कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा, जिसमें एक मियोसाइट सेल पाए जाते हैं, और वही मियोसाइट सेल्स मियोसिस प्रोसेस के द्वारा गैमेट्स बनाते हैं, ठीक ना। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि कौन से ऑर्गेनिजम्स में मियोसाइट्स में कितना क्रोमोजोम रहता है और उसके गैमेट्स में कितना क्रोमोजोम है, जो कि एनसीईआरटी बुक में दिया गया है चार्ट बना करके, जिसको आप देखेंगे और हम अभी देखेंगे इसको, ठीक। तो ये देखिए आपका ये चार्ट है जो कि एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि ह्यूमन बीइंग्स में, इधर है नेम ऑफ ऑर्गेनिजम्स का दिया हुआ, इधर है क्रोमोजोम नंबर इन मियोसाइट्स, जो यहाँ पर मियोसाइट्स हम लोग देख रहे हैं, जो कि हमेशा क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, और इधर जो नंबर दिया गया है वो किसका है, गैमेट्स का नंबर है, जो कि हमेशा हैप्लॉयड होता है, आधा होगा इसका, इसका ये आधा होगा, इसका ये जस्ट डबल होगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स है, इसमें 46 क्रोमोजोम मियोसाइट्स में होता है और 23 जो है उसके गैमेट्स में होते हैं, यानी जो स्पर्म्स और ओवम होते हैं उसमें कितना है, 23 है। अब कहता है कि इसको हाउस फ्लाई है, तो हाउस फ्लाई में यहाँ पर मियोसाइट में कितना है, 12 है, तो इसमें कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। उसके बाद रैट है, तो रैट में यहाँ देखिए मियोसाइट्स में पूछ रहा है कितना होगा, तो इससे हम देख कर निकाल लेंगे, यहाँ 21 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा। यहाँ पर 78 है, तो यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। यहाँ 19 है कैट में, तो यहाँ पर इसका जस्ट डबल हो जाएगा, 38। फ्रूट फ्लाई में 8 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओफियोग्लोसम में फर्न प्लांट है ये, तो इसमें 630 गैमेट्स में होते हैं, तो इसका जस्ट डबल जो है उसके मियोसाइट्स में हो जाएगा, तो 1260 हो जाएगा। उसके बाद एप्पल है, तो 34 है, यहाँ पर 17 हो जाएगा। राइस है, तो गैमेट में 12, तो इसमें कितना आ जाएगा, 24 हो जाएगा। मेज है, मेज में इसमें 20 है, तो इसमें 20 हो जाएगा। इसी तरह से पोटैटो है, यहाँ 24 है, इसका मतलब कि इसमें जस्ट डबल होगा, 48 हो जाएगा। बटरफ्लाई है, तो 380 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 190 हो जाएगा। और यहाँ पर ओनियन में 8 है गैमेट में, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16। तो इस तरह से हम लोग इसमें देख लिए क्या कि माइटोसिस के द्वारा भी गैमेट फॉर्मेशन होता है और मियोसिस के द्वारा भी गैमेट फॉर्मेशन होता है, डिपेंड करता है कि वो पेरेंट कैसा है, हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, ठीक। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग तो यहाँ पर देख लिए क्या कि गैमेट्स जो बनते हैं उसमें कितना क्रोमोजोम्स होता है। अब हम लोग देखेंगे प्री फर्टिलाइजेशन का जो सेकेंड सीक्वेंस है, इसको हम लोग कहते हैं गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर का मतलब क्या हो गया कि हाउ द गैमेट्स
मीट्स जो गैमेट्स बना है वो एक दूसरे के नजदीक कैसे आता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हाउ द गैमेट मीट, कैसे मिलते हैं, क्या प्रोसेस होता है दोनों एक दूसरे के नजदीक आने के लिए। तो इसके लिए दो तीन केस बना हुआ है, जो दो तीन केस बना हुआ है इसमें क्या होता है कि जब दोनों गैमेट्स क्या होंगे, मोटाइल होंगे, फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड क्या हो गया कि मेल गैमेट मोटाइल होगा और वो पानी में तैरते हुए और फीमेल गैमेट के पास आए, तो मेल गैमेट मोटाइल एंड फीमेल गैमेट्स आर स्टेशनरी। और थर्ड क्या होता है कि स्पेशल मैकेनिज्म होता है सीड प्लांट में जिसको हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं, पॉलिनेशन आप लोग जानते होंगे, नहीं तो आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो इसमें जो है तीन केस है। केस वन में क्या कहता है कि बोथ गैमेट्स आर मोटाइल, दोनों गैमेट जो है वो पानी में तैरने वाला होगा। अब किसमें ऐसा होता है, एग्जांपल तो एल्गी और सम फंजाई, उसमें ऐसा होता है कि दोनों गैमेट में फ्लैजिला होते हैं और मेल और फीमेल गैमेट। सेकेंड हो गया केस क्या, केस टू कि मेल गैमेट्स जो होते हैं आर मोटाइल, मेल गैमेट क्या हो जाएगा मोटाइल हो जाएगा और फीमेल गैमेट क्या हो जाएगा स्टेशनरी हो जाएगी, मोटाइल और फीमेल गैमेट स्टेशनरी स्थिर रहेगा ओवरी के अंदर। अब इसमें कौन सा एग्जांपल होता है, एग्जांपल इसमें क्या हो जाएगा कि अलगी हो जाएगा, ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स ये सब में ऐसा होता है, अलगी ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स। और थर्ड केस क्या हो जाएगा पॉलिनेशन कितना किस में होगा, तो इन सीड प्लांट्स जिसमें बीज बनता है जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, उसमें क्या होते हैं कि पॉलिनेशन होता है यानी द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बाय सेल या क्रॉस। तो यह जो पॉलिनेशन होता है दो तरीके से, एक हो गया सेल्फ, और सेल्फ जैसे कि पी प्लांट में होता है, इसमें कोई स्पेशल मैकेनिज्म नहीं पाया जाता है। और जो दूसरा होता है क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होते हैं कि स्पेशल मैकेनिज्म होता है फॉर गैमेट ट्रांसफर, स्पेशल मैकेनिज्म और गैमेट ट्रांसफर बाय वेरियस बायोटिक एंड एबायोटिक एजेंट्स, बायोटिक लिविंग एजेंट्स के द्वारा जैसे कि इंसेक्ट हो गया, एनिमल हो गया, बर्ड हो गया, उसके द्वारा पॉलन ग्रेन्स जो है वो पॉलिनेशन होगा। और एबायोटिक में जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, ये सब के द्वारा इसमें पॉलिनेशन होता है ना। तो इस तरह से ये तीन यहाँ पर क्या है, गैमेट ट्रांसफर का केस बनता है इसी तरह से। तो इसमें आप लोग अभी देखें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का। अब जो है हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग देखेंगे जो इवेंट्स है इसका, जो सेकेंड और थर्ड इवेंट्स हैं जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे यानी पार्ट 6 में देखेंगे। इतना नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम